स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले किस तरीके से आप 3ds Max में एडबोर्ड डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिंपल वे में। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक प्लेन क्रिएट करना होगा। प्लेन आप क्रिएट करने के बाद जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा लेंथ एंड विड्थ, वो आप डायमेंशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि एडबोर्ड में यहाँ पर हमें जो पार्टीशन चाहिए, जितने भी आप पार्टीशन चाहिए वो आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी लेंथ सेगमेंट्स एंड विड्थ सेगमेंट यहाँ से आप असाइन करेंगे उसके हिसाब से एडबोर्ड का हमारा पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट टू एडिट पॉली करना होगा। आपको यहाँ पर आना होगा और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, एडिट पॉली मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं। एडजस्ट सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पर लूप पर क्लिक करना होगा। जैसे लूप पर क्लिक करेंगे टोटली सेलेक्ट हो जाएगा जितना भी एजेस है, ये वर्टिकल फॉर्म में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ से जो सेगमेंट्स है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने 2 रखा है वैल्यू। इसी तरीके से सेम तरीके से आपको क्या करना होगा, बाकी के जितने भी एजेस है सिंपली आपको लूप करते हुए यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा और सेम ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा जो शैम्फर का मॉडिफायर है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पर एज सेलेक्ट करते हुए शैम्फर मॉडिफायर अप्लाई कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जितने भी यहाँ पर पॉलीगॉन्स है वो सभी को आपको सेलेक्ट करना होगा। सभी को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना होगा, टोटली आपको अपर डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ से जो भी हमारा मेश स्मूथ मॉडिफायर है वो अप्लाई कर सकते हैं आप। डायरेक्टली अप्लाई करने के बाद F4 यहाँ से आप ऑफ कर दीजिएगा। F4 ऑन रखने से यहाँ पर टोटल जितने भी सेगमेंट्स वगैरह सभी यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यूज वगैरह है, इटरेशंस वैल्यू है, वो आप चाहे तो कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। जितना भी आपको स्मूथनेस चाहिए इसमें, तो आप उसके हिसाब से जो सब डिविजन्स अमाउंट है, इटरेशंस अमाउंट से, वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि अगर आपको बैक पैनल यहाँ पर कुछ क्रिएट करना हो, तो आप सिंपली एक रेक्टेंगल से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल से क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल वे में यहाँ पर शेप्स में जाते हुए यहाँ पर रेक्टेंगल लेना होगा। रेक्टेंगल आप डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट कर दीजिएगा और इसको एक्सट्रूड कर दीजिएगा। आप चाहे तो जो भी जो एड बोर्ड्स का यहाँ पर मटेरियल चाहते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में एड बोर्ड डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं 3ds Max में बाय यूजिंग एडिट पॉली। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।